हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं छात्रवृत्ति का पैसा कैसे चेक करें अपना आधार कार्ड से। अगर दोस्तों आपको भी छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, आप भी एक स्टूडेंट है और आपको पैसा आता है, वो पैसा आप चेक करना चाहते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, दोस्तों इस वीडियो में आप सबसे लाइव तक बने रहिए। डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बैलेंस चेक करना चाहते हैं अपना छात्रवृत्ति, तो दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको सिंपल सी इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जब ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है AEPS, आपको AEPS में क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों, तो आप चेक करना चाहते हैं छात्रवृत्ति का पैसा, तो यहाँ पर आप बैलेंस इंक्वायरी में आपको क्लिक कर देना होगा। जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो बैंक है, जो आप छात्रवृत्ति भरते समय बैंक दिए थे, वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद आपको जो आधार कार्ड नंबर है वो नंबर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर आपके पास जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको प्रोसीड में क्लिक करना है, और साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन खुल के आएगा स्कैन करने का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बायोमेट्रिक पर फिंगर रखना है। जब फिंगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कंफर्म करने का कहेगा, तो यहाँ पे आपको कर देना है। करते ही दोस्तों यहाँ पर जो आपको बैंकों को बैलेंस है, यहाँ पे जो पैसा आया होगा स्कॉलरशिप, यहाँ पे आसानी से दिखा दिया जाएगा। आपका नहीं भी आया होगा दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, और साथ ही आया होगा तो यहाँ पर आपको बैलेंस इस तरह से दिखा देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।